आज की इस वीडियो में हम आपको आर्यन खान के शॉकिंग डिटेल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्यन खान के अरेस्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है और पूरा देश इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है कि कौन सही है और कौन गलत है, भी पता नहीं चल रहा। एक तरफ शाहरुख खान है जिन्हें बॉलीवुड का किंग माना जाता है और वो पूरा जोर आर्यन को बेल दिलाने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ एनसीबी है जो पूरे देश से ड्रग खत्म करवाने में लगी हुई है। एनसीबी को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं जो बहुत बड़े स्टार हैं। एनसीबी अपना काम कर रही है और उनका कहना है कि आर्यन के मोबाइल से कुछ ऐसे चैट्स मिली हैं जिसमें आर्यन खान ड्रग्स को परचेज करने की बात कर रहे हैं और उनकी ये चैट इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से लिंक्ड है। जबकि दूसरी तरफ आर्यन के लॉयर सतीश मनचंदे का कहना है कि आर्यन क्यों ड्रग को सेल करेंगे और वो भी क्रूज पर। आर्यन चाहते तो वो पूरा क्रूज ही खरीद लेते। दोस्तों, जैसे कि एनसीबी का ये भी कहना है कि वो आर्यन खान के थ्रू ही इस धंधे की बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ सकते हैं। जैसे कि सतीश मनचंद का कहना था कि जबकि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिली ही नहीं है तो उन्हें पकड़ा ही क्यों गया है। दोस्तों, इस वक्त शाहरुख खान और एनसीबी आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब पूरे देश में आर्यन को लेकर चर्चा हो रही है और वो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आज 7 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि शाहरुख खान और एनसीबी के बीच जंग कौन जीतता है। आपको शाहरुख खान और एनसीबी के बीच कौन ठीक लगता है और कौन गलत लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।